चलिए गुड मॉर्निंग है, एक्सरसाइज 1.3 है। गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज 1.3, चैप्टर फर्स्ट सेट चल रहा है, लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें क्वेश्चन बेस्ड होंगे ऑन यूनियन। कल यूनियन बताया था लास्ट लेक्चर में, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस की बात हमने की थी। फिफ्थ क्वेश्चन करा रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक ए सेट भी दिया हुआ है, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, ए के अंदर 1, 2, 3, 4। बी सेट के अंदर भी एलिमेंट दे रखे हैं, बी सेट भी गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। बी के अंदर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3, 4, 6, और सी के अंदर भी दे रखे हैं, सी के अंदर देखें 3, 4, 5, 6। तो मुझे क्या वेरीफाई करना है वो देखना है फिफ्थ में, सॉरी 5, 6 में, 3, 4, 6 तो इसमें दे रखे हैं, सी में 5, 6, 7, 8 दे रखे हैं। तो मुझे तब वेरीफाई करना है 1, 2, 3, 4 वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ होगी, उसके बाद दूसरा काम होगा। तो पहले सॉल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड देख लेना। तो कहता है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है और सी भी दिया हुआ है, मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट ऑफ होगी, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट ऑफ होगी, ब्रैकेट को मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी निकाल दो। यूनियन का मतलब सारे होते हैं, सारे मत भूलना, बी वाले भी आएंगे, सी वाले भी आएंगे, क्योंकि बीच में लगा है यूनियन। तो B वाले कौन से आएंगे 3, 4, 6, C वाले कौन से आएंगे 5, 6, 7, 8, वो बात अलग है। This implies B union C या आ जाएगा, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, 3, 4, 6, 5, ये 6 पहले आ चुके, दोबारा क्या लिख के करोगे 7, 8, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये 6 दो बार था, राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो मैंने एक बार लिख दिया, फिर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में पूरा चाहिए, तो पहले मैंने बोर्ड मास से ब्रैकेट ऑफ की है, मैंने क्या लिखा है बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट ऑफ होगी, तो मैंने ब्रैकेट ऑफ की, पहले मैंने बी यूनियन सी निकाला, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी है, ये निकाला। अब ए का मतलब सारे लेने, ऑल द एलिमेंट्स, पहले ए वाले ले लो, ए वाले में कौन कौन आएगा, 1, 2, 3, 4 आएगा, ये ए वाले के एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4। यूनियन बी यूनियन सी में कौन कौन से आएगा 3, 4, 6, 5, 7, 8, चाहे आगे पीछे लगा लो, चाहे ऐसे ही लिख लो, 1 एक बार लिखना है, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार, 3 दोबारा क्या करोगे, 4 दोबारा क्या करोगे, पहले लिख चुके हो 3 और 4, फिर क्या लिख दो 6, 5, आगे पीछे कर सकते थे 7, 8, ये आएगा, आगे पीछे लिख सकते थे इसको। अब राइट हैंड साइड को निकालना, तो ऐसे निकालोगे, पहले ब्रैकेट ऑफ करनी है हर पार्ट में, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा, ऑल यूनियन का, ऑल सारे एलिमेंट लेने हैं, बी वाले लो 3, 4, 6 ले लिए, सी वाले लो ले लिए 5, 6, 7, 8, फिर देखा कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, 6 रिपीट हो रहा था, तो एक बार लिखो 3, 4, 6, एक बार 5, 6 आ चुका है, दोबारा क्या लिखना है 7, 8, चाहे आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर इमेटेरियल होता है, बताया ऑर्डर इमेटेरियल होता है। फिर ए का यूनियन निकाल लो, ए यूनियन मतलब ए का ऑल एलिमेंट, तो पहले ए वाले लिखो, यूनियन का मतलब मत भूलना ऑल होता है ऑल, तो ए का मतलब क्या हो गया 1, 2, 3, 4, फिर यूनियन बी यूनियन सी का मतलब 3, 4, 6, 5, 7, 8, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आ चुके मत लिखो, 4 आ चुके मत लिखो, 6, 5, 7, 8। अब राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड में पहले बोर्ड मास से ब्रैकेट ऑफ करना, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट आएंगे, ए वाले भी आएंगे, बी वाले भी, निकाल दो, तो आएगा 1, 2, 3, 4, बी वाले कौन कौन से आएंगे 3, 4, 6, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, 1 पहली बार लिख रहे हो, 2 भी पहली बार, 3 भी पहली बार, 4 भी, ये रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, देखो तो क्या आएगा 6 ये। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ निकालना है, इसमें भी सारे आएंगे ऑल द एलिमेंट, पहले यूनियन बी के लिख दो, ए एंड बी कहेंगे 1, 2, 3, 4, 6, फिर सी के लिखो, सी के, सी के कितने हैं 5, 6, 7, 8, फिर सी के भी लिखने, सी के कितने आएंगे, सी के 5, 6, 7, 8,
देखना कोई रिपीट तो नहीं कर रहा नहीं कर रहा, जो करेगा उसको हटा देना। चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो, वन एक बार आ रहा है, टू भी एक बार आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, सिक्स सिक्स दोबारा आ गया, पहले आ चुका है, फाइव सेवन एट देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस वेरीफाई, यस दोनों इक्वल आ रहे हैं। वेरीफाई कर दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ होगा, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट ऑफ होगा, पहले बोर्ड मास से ब्रैकेट ऑफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर पहले ब्रैकेट की तरफ ध्यान दो, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बी यूनियन सी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बी यूनियन सी का मतलब क्या आएंगे, सारे आएंगे, पहले बी वाले लिखो थ्री सेवन एट, सी वाले लिखो टू थ्री फोर एट, जो एक बार आ गया दोबारा मत लिखना, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते जिसको डायरेक्ट आता है, थ्री सेवन एट टू, क्योंकि पहले नहीं आ चुका, थ्री आ चुका है छोड़ दो, फोर एट पहले आ चुका है छोड़ दो, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन आता है, कॉमन जो ए में कॉमन होंगे बी इंटरसेक्शन सी से, ये क्या आ गया बी यूनियन सी से, बी यूनियन सी आ गया थ्री सेवन एट टू, थ्री पहले आ चुका है दोबारा नहीं लिखा, फोर ये फोर नहीं पहले आ रहा, एट पहले आ चुका है, अब दोनों में कॉमन देखो, ये रहा ए, ए में आएंगे वन थ्री फाइव नाइन, और ये देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में आएंगे थ्री सेवन एट टू फोर, कॉमन देखो दोनों में, कॉमन कौन से आएंगे ए में, वन इसमें इसमें नहीं है तो वन नहीं आएगा, थ्री इसमें इसमें आएगा, सॉरी फाइव इसमें इसमें नहीं आएगा, नाइन इसमें इसमें नहीं है नहीं आएगा, सोचो देखो मैं ये कह रहा था वन ए में था पर इसमें नहीं है, बी यूनियन सी में वन नहीं है तो नहीं आएगा, थ्री दोनों में है तो थ्री आएगा दोनों में, थ्री है दोनों में, फाइव इसमें है पर इसमें नहीं है, नाइन इसमें इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों में कॉमन कौन आएगा, सोचो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, अब राइट हैंड साइड चेक करो, आर एच एस पहले इंटरसेक्शन बी निकालो, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन आएंगे, देखो ए और बी में क्या कॉमन है, ए रहा वन इसमें वन नहीं है, ये रहा थ्री दोनों में थ्री है, फाइव दोनों में नहीं है, नाइन दोनों में नहीं है, कोई नहीं कॉमन, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, फिर ए इंटरसेक्शन सी आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखो क्या है, ए रहा सी रहा कॉमन देखो क्या, वन है नहीं है, थ्री है दोनों में हाँ है, थ्री तो तीनों में ही है, बस एक ही कॉमन आ रहा है, थ्री तो दोनों में तीन, फिर अगला कोई कॉमन आ रहा है फाइव, इसमें देख रहा हूँ ए और सी में, फाइव इसमें इसमें नहीं है, नाइन इसमें इसमें नहीं है, बस एक ही कॉमन आ रहा है थ्री, अब क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, यूनियन ऑल ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन का मतलब सारे आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कितना है थ्री,
और इंटरसेक्शन सी में भी कितना है, थ्री, पर थ्री दो बार क्या लिखोगे, एक बार ही लिख लो, इसमें भी थ्री, इसमें भी थ्री, ऑल लिख लो, इसके भी एलिमेंट लिख लो, इसके भी लिख लो, दोनों में तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दो बार क्या लिखोगे, एक बार। तीन तीन को दो बार थोड़ा लिखना होता है, बताया हुआ है सेट्स में, एक ही बार लिखो। नाइन्थ है, फर्स्ट बार ए दिया हुआ, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट ए दिया हुआ, टू फोर सिक्स एट टेन, इवन नंबर में दूसरा एट। बी दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सी दिया हुआ है टू सिक्स सेवन टेन, ये प्रूव करना है, टू प्रूव या वेरीफाई करना है। ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस सी, माइनस का मतलब ओनली होता है, पहले बोर्ड मास से ब्रैकेट ऑफ करो, बाकी बातें बाद में। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड को बी यूनियन सी लो, यूनियन का मतलब सारे आएंगे, बी वाले भी सी वाले भी, बी में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सी वाले भी ले लो टू, पहले आ चुके ऐसे लेने की जरूरत नहीं, सिक्स भी आ चुके हैं, सेवन टेन जो आ चुके हैं वो दोबारा दोबारा क्या लेके करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन, बस यही टू पहले आ चुके हैं, सिक्स भी पहले आ चुके हैं, सेवन भी पहले आ चुके हैं, अब क्या निकालना है, ए माइनस निकालना है, नाउ ए माइनस बी यूनियन सी, ऐसे एलिमेंट जो ए में होंगे पर बी यूनियन सी में नहीं होंगे, दोस एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए बट नॉट इन बी यूनियन सी में नहीं होंगे, जो ए में होंगे बट बी यूनियन सी में नहीं होंगे, तो जो ए में होगा मतलब क्या होगा, जो ए में होंगे, ए में टू है पर बी ने सी में भी आ दो, फोर है इसमें भी फोर है, सिक्स है इसमें भी सिक्स है, एट है इसमें एट नहीं है, एट आएगा जो ए में था, ए में एट ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है, ए ओनली में है, जो सिर्फ ए में है पर बी ने सी में नहीं है, सोचो बी ने सी में एट नहीं है, टेन दोनों में है छोड़ दो, एक ही एलिमेंट आएगा, सोचो दोज एलिमेंट विच आर इन सेट ए, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में होंगे बट नॉट इन बी इन एंड सी, बी इन एंड सी में नहीं होने चाहिए पर ए में होना चाहिए, एट बचे। अब राइट हैंड साइड में आर एच एस, वो क्या कह रहा है, ए माइनस बी निकालो, ए ओनली, दोज एलिमेंट विच आर इन सेट ए, ऐसे तो जो ए में पर बी में नहीं है, ए में कौन है टू, बी में भी है छोड़ दो, फोर बी में भी है छोड़ दो, सिक्स बी में भी है छोड़ दो, एट ए में है पर बी में नहीं है, एक तो एट आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, फिर ए माइनस सी ले लो, दो एलिमेंट विच आर जो ए में होंगे पर सी में नहीं होंगे, टू ए में है पर सी में भी छोड़ दो, फोर ए में है सी में नहीं ले लो, सिक्स दोनों में है छोड़ दो, एट ए में है बट सी में नहीं है, टेन ए में है बट सी में नहीं है, तो दो ही आएंगे,
अब दोनों कॉमन निकाल दूं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, दोनों में कॉमन क्या आएगा वो निकाल, कभी कॉमन आएगा दोनों में देखना, एट दोनों में कॉमन है या नहीं, आंसर लेफ्ट इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों में कॉमन क्या आएगा 8, सोचो 10 10 यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए दिया हुआ है 1 3 4 बी दिया हुआ है 5 6 शो करना है वेरीफाई इसमें क्या करना है show that a only a minus b a intersection b का complement b complement minus a complement कितने same होने चाहिए तीनों equal होने चाहिए पहले left फिर second फिर third side निकाल लेते उससे पहले दो तीन बातें निकाल लो solution निकालने से पहले पहले b complement या a complement निकाल लो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं दोज एलिमेंट विच आर इन यूनिवर्सल सेट दोज एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट याद करो कल वाली बात लास्ट लेक्चर होगी बट नॉट इन सेट ए सेट ए ये वाले एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल में हो ए में ना हो वन ए में है ये नहीं लेना ए वाले छोड़ दो टू ले लो 3 इसमें छोड़ दो 4 छोड़ दो 5 6 7 8 9 10 ये आएगा a कॉम्प्लीमेंट सिमिलरली b कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा b वाले छोड़ देना 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो 7 8 9 10 अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस b a ओनली दोस एलिमेंट व्हिच आर इन सेट a बट नॉट इन सेट b दोस एलिमेंट्स व्हिच आर जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे देखना ए में कौन कौन से है वन है बी में नहीं है ले लो थ्री ए में है बी में नहीं है ले लो फोर ए में है बी में नहीं है ले लो अब कौन सी साइड कंसीडर कर लो सेकंड साइड कंसीडर कर लो सेकंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन देखो ए में ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में वन कॉमन है देखो दोनों में वन कॉमन है ए और बी कॉम्प्लीमेंट में वन आएगा थ्री है क्या दोनों में कॉमन थ्री ए में भी है थ्री बी कॉम्प्लीमेंट में भी है थ्री भी आएगा और कोई फोर है ए में फोर आएगा बिल्कुल आएगा फोर भी है इसमें थ्री भी है इसमें और वन भी है तीनों ही एलिमेंट में तो ये भी आएगा फोर ये दोनों साइड तो इक्वल होगी अब कंसीडर कर लो राइट हैंड साइड b complement minus a complement मतलब b complement not those element which are in b complement ऐसे elements those elements which are in but not in ऐसे element जो b complement में होंगे पर a complement में नहीं होंगे b complement में होने चाहिए पर a में नहीं होने चाहिए a complement में one b complement में देना a complement में है one नहीं तो ले लो 2 b कॉम्प्लीमेंट में है तो a कॉम्प्लीमेंट में है हाँ है तो नहीं लेना 1 ले लो 2 नहीं लेना 3 a b कॉम्प्लीमेंट में है 3 इसमें है नहीं ले लो 4 इसमें है क्या 4 इसमें है नहीं ले लो
सेवन इसमें है तो इसमें भी है सेवन, नहीं लो। एट इसमें भी है और इसमें भी है, नहीं लेना। ऐसे एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में ना हो, दोज एलिमेंट विच आर इन बी कॉम्प्लीमेंट बट नॉट इन ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे एलिमेंट होंगे दो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, दोज एलिमेंट विच आर इन बी कॉम्प्लीमेंट बट नॉट इन ए कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया, क्या तीनों इक्वल आ गए? यस। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडल साइड, मिडल इक्वल टू राइट हैंड साइड, तीनों इक्वल। ये भी 1 3 4, ये भी 1 3 4, ये भी 1 3 4। बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट वही मतलब होते हैं जो ए माइनस बी का मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट ओनली, दोज एलिमेंट विच आर इन बी कॉम्प्लीमेंट बट नॉट इन ए कॉम्प्लीमेंट। ये मतलब 11th का फर्स्ट है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एच बिलोंग टू नेचुरल है, एच लेस देन 30 है, तो नेचुरल में आएंगे 1 2 3 30 तक आएंगे। ए दिया हुआ है, एक्स इज ए प्राइम लेस देन 5 है, एक्स इज प्राइम नंबर है लेस देन 5। प्राइम के दो फैक्टर होते थे, प्राइम के दो फैक्टर होते हैं। वन इज नॉट नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 30। ए दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 5, तो 1 नहीं आता, 2 3 आएगा क्योंकि 5 से छोटे कह रखे हैं। बी दे रखा है आपको एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हम किसको बोलते हैं सोचना, लेस देन इक्वल टू 10। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा? 1। 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 2 इज रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 इज परफेक्ट स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। कौन आएगा? 4। 4 इज 2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो यह आएगा 9। ये दिया हुआ, सी भी दिया हुआ, सी इज अ परफेक्ट क्यूब, सी दिया हुआ है ऐसे परफेक्ट क्यूब, एक्स इज परफेक्ट क्यूब दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। 11th का कौन सा बोल रहे हैं? फर्स्ट पार्ट। ये निकालना इलेवेंथ का फर्स्ट है, ये निकालना है, प्रूव वेरीफाई करना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो निकाल दो, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। दिस इम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए नहीं, ए छोड़ दो बाकी सारे, ए वाले छोड़ दो, 2 3 छोड़ दो बाकी सारे आएंगे। 1 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 अप टू 30 तक आएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा बी छोड़ दो बाकी सारे, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा बी नहीं बाकी सारे। 1 छोड़ दो, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 छोड़ दो बी वाले नहीं लेने, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 लेना, 10 आएगा अप टू 100 ऐसे आएगा 30 तक जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए छोड़ दो, ए नहीं मतलब 2 3 छोड़ दो बाकी सारे, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी वाले छोड़ दो बाकी सारे। अब लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या लोगे? लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी ले लो, ए यूनियन बी का मतलब सारे, और ए वाले पहले एलिमेंट उठाओ 2 3, बी वाले उठाओ 1 4 9, कोई भी कॉमन नहीं है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, ए यूनियन बी को छोड़ दो बाकी सारे, तो ना लो 2 मत लो, ना 1 लो, ना 3 लो, ना 4 लो, ना 9 लो, तो 1 नहीं लेना, 1 इसमें है नहीं लेना, 2 भी है नहीं लेना, 3 भी है नहीं लेना, 4 भी है नहीं लेना,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नहीं लेना, टेन इलेवन थर्टी तक ले लिया। ए यूनियन बी को छोड़ के, ए यूनियन बी आया था, टू नहीं लिया, थ्री भी नहीं लिया, वन भी नहीं लिया, फोर भी लिया, नाइन भी लिया। राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड क्या ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन आएंगे वो ले लो, देखो क्या कॉमन आएंगे, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन देखो कॉमन, वन इसमें है इसमें नहीं, नहीं आएगा, टू इसमें इसमें नहीं आएगा, थ्री नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा, पर फाइव आएगा क्योंकि फाइव दोनों में कॉमन है, फाइव दोनों में कॉमन है, और कोई कॉमन है, सिक्स दोनों में कॉमन है, सेवन दोनों में कॉमन है, एट दोनों में कॉमन है, नाइन नहीं आएगा, नाइन इसमें इसमें नहीं है, टेन आएगा, फिर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन सारे आएंगे। तो देखो फाइव सिक्स सेवन एट टेन नाइन दोनों में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सोच लो। ट्वेल्थ ट्वेल्थ के पहला और दूसरा दोनों पार्ट करा लेते हैं, और एक थर्टीन या ट्वेल्थ के चारों पार्ट करा देते, पूछना था तो ट्वेल्थ पूछना था, ये पता नहीं क्यों पूछ लिया। थर्टीन का एक पार्ट करा दूंगा, ट्वेल्थ के जो डाउट रह जाएगा वो पूछ। ट्वेल्थ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम बनाना है। ट्वेल्थ है वेन डायग्राम, वैसे तो मैंने कल बनवा दिए थे आपको साथ साथ। सबसे पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, कॉम्प्लीमेंट पहले ये यूनियन बी का बनाओ, जो मर्जी बना सकते हो बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ दो बाकी सारे। तो पहले बनाओ ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी में शेड कर दो, ये ए है ये बी है, यूनियन का ऑल होता था, तो ए यूनियन बी का डायग्राम है, ये बाहर यूनिवर्सल से। तो देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी नहीं नहीं मतलब इसको छोड़ दो बाकी सारे, ऑल एलिमेंट जो ए यूनियन बी में होंगे छोड़ दो, ए में ये है बी में ये है, ए यूनियन बी तो आपको पता ही है, ए यूनियन बी बनाया हुआ है, उसका क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, उसको छोड़ दो बाकी सारे, तो बाहर क्या देंगे, ये शेडेड पोर्शन छोड़ दो, छोड़ दो शेडेड पोर्शन, क्यों शेडेड पोर्शन छोड़ दो, वो कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी नॉट निकालना है, नॉट का मतलब क्या हुआ कि ये छोड़ दो, ए यूनियन बी वाला हिस्सा छोड़ दो बाकी सारे। सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। पहले सॉल्यूशन है, पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूं, या आ गया मान लो ए, या आ गया यूनिवर्सल सेट, या आ गया बी, तो मैंने सबसे पहला निकाला यूनिवर्सल सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए नहीं, ए को छोड़ के बाकी सारे, ए को छोड़ दो प्योरली, ए को छोड़ दो, जहाँ जहाँ ए है ये सारा छुटेगा, बी वाले में तो आएगा पर ए वाला छूटेगा, ये सारा मतलब ए वाला पूरा पार्ट छोड़ दो, ये पूरा पार्ट छोड़ दो, फिर क्या निकाल लो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बी नहीं बी को छोड़ दो बाकी सारे, वेन डायग्राम में ए और बी कुछ कॉमन लेने लो नहीं लेने ना लो आपकी मर्जी, ये क्या आएगा यूनिवर्सल सेट, तो बी नहीं लेना, बी नहीं लेना, तो ए से क्या मतलब है, ए तो लेते रहो, बी वाले छोड़, अब नाउ इनका कॉमन ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में जो कॉमन शेड हो रहा है वो वाला ले लो, देखो जरा ये आएगा ए, ये आएगा बी, ये आएगा यूनिवर्सल सेट, जो बाहर वाला पोर्शन है सारे बाहर वाला वो दोनों में शेड है, कॉमन है दोनों में शेड है, तो पहले तो बाहर वाला ले लो, दोनों में शेड है देखो, कॉमन वाला हिस्सा लेने जो शेड है, बाहर वाला हिस्सा दोनों में शेड है, ए इसमें शेड नहीं इसमें शेड है छोड़ दो, ये वाला हिस्सा, ये वाला इतना सा हिस्सा इसमें शेड नहीं है और इसमें शेड है तो नहीं लूंगा, इसमें दोनों में शेड है, दोनों में शेड है, यहां भी शेड है और यहां भी शेड है, नो शेड और यहां पे क्या आ रहा है शेड, तो नहीं लूंगा, कॉमन वाला हिस्सा है, ये शेड नहीं है शेड है नहीं लूंगा, ये शेड है पर ये शेड नहीं लेना, ये दोनों शेड नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ये आएगा इसका।
तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में जो कॉमन पार्ट ले रहा है वो वाला लिख दो यहाँ पे, ये कॉमन शेड हो रहा है देखो, ये भी शेड ले लिया, ये दोनों में शेड नहीं हो रहा तो नहीं लिया, इसमें शेड हो रहा है इसमें शेड नहीं हो रहा नहीं लेना, इसमें शेड हो रहा है इसमें शेड नहीं हो रहा नहीं लेना। सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी है, ये रहा ए ये रहा बी, ये आएगा इंटरसेक्शन वाइज, पर मुझे क्या लेना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो बाकी सारे, तो ये वाला हिस्सा छोड़ देना, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा लेना है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इस वाले बीच वाले इसे को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बाकी सारे ले लो भैया बाकी सारे। ये वाला हिस्सा क्या करा छोड़ दिया ये नहीं मिला बाकी सारे। फोर्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन मतलब ऑल सारे किसी में भी आए तो ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट फोर्थ है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, वैसे तो ए कॉम्प्लीमेंट अभी निकाला ही हुआ था तुमने, दोबारा क्या निकालना है ए नहीं बाकी सारे हैं, ये ए है बी है बी कॉम्प्लीमेंट है बी नहीं बाकी सारे हैं, बी वाले छोड़ दो बाकी सारे, ये क्या यूनिवर्सल सेट है, ये भी क्या यूनिवर्सल सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब होता है ऑल सारे आते हैं, जो एक बार शेड है वो भी आएगा सारे एलिमेंट आएंगे, ये यूनिवर्सल है, ये आएगा ए ये आएगा बी, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला इसमें भी शेड है इसमें भी शेड आएगा, हाँ जो दोनों में होते हैं एक बार आता है सोचना आएगा, ये इसमें शेड नहीं इसमें शेड आएगा बिल्कुल आएगा, क्यों किसी एक में तो आ रहे हैं, यूनियन का मतलब ऑल सारे इसमें नहीं आ रहे पर इसमें तो आ रहे हैं, ये दोनों में शेड नहीं है नहीं लेंगे नहीं लेंगे, बी दोनों में से एक में शेड है इसमें नहीं है इसमें है तो लेंगे, हाँ इंटर से कॉमन थोड़ा लेना सारे लेने ऑल, तो ये आएगा वैसे दोनों का डायग्राम सेम होता है। 13 ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब ये होता है अगर आप नहीं समझे हो तो, ए कॉम्प्लीमेंट है मान लो 1 2 3 4 5, बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 5 6 7, ये तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सारे लेने ऑल लेने हैं, ऑल मतलब कौन से जो दोनों में कॉमन है वो लोगे, 1 लेंगे हाँ, 2 भी लेंगे बिल्कुल लेंगे, 5 भी लेंगे हाँ दोनों में कॉमन वाले लूंगा, फिर 3 4 सिर्फ ए में है तो लूंगा हाँ लूंगा, ऑल इन ऑल सारे 3 4 ए में है तो लूंगा लूंगा, जैसे इसमें ए में शेड है देखो शेड है पर इस ए में शेड नहीं है, देखो इसमें ए में क्या है 3 4 है पर इसमें नहीं है तो लूंगा हाँ लूंगा, सोचो 3 4 लूंगा, फिर 6 7 बी में है बी कॉम्प्लीमेंट में 6 7 है तो लेंगे हाँ लेंगे, क्यों इसमें नहीं है इसमें है तो एक बार जरूर आएगा, सोच रहे तो कोई एग्जाम्पल सोच रहे। 13 का फर्स्ट पार्ट वेन डायग्राम, एक ग्राफ दो पार्ट खुद करना नहीं होंगे तो बता देगा, 13 के 3 पार्ट एक पार्ट ग्राफ, अगर कहता है ए प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है बी का, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, कहते सेट ए का हर एलिमेंट बी में, तो प्रूव करो दिस इंप्लाइज प्रूव करो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के इक्वल है, कहता है वेन डायग्राम से कर देते हैं क्या दिक्कत है, वैसे तो साफ ही बोल इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही तो एग्जांपल सोच लेना, अगर इसमें दिक्कत आ रही तो एग्जांपल सोच लेना, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट इस तरह से लेने, इसका एक और भी तरीका होता है जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 स्पीड तेज है तो
ए ले लो 1 2 3, बी ले लो 3.4, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 4.5, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2 5, ये आएगा। अब तुम इसका वेन डायग्राम बना लो, ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए वाले छोड़ दो बाकी सारे लोगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है, तो कौन से आएंगे 1, ए में कौन है 2 3 4 है, यूनिवर्सल सेट में कौन आएगा 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए वाले छोड़ दो बाकी सारे लोगे, ये सारे आएंगे, ए वाले छोड़ देना, तो कौन से शेड हो रहे हैं सोचो, कौन कौन से आ रहे हैं सोचो, 5 आ रहा है शेड में, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है शेड में। अब बी कॉम्प्लीमेंट लो, बस अब कौन आ रहा है ऐसे ले लेना, अगर दिक्कत आ रही है तो बी कॉम्प्लीमेंट ले लेना, बी वाले छोड़ दो बाकी सारे आएंगे, ये आएगा 1 3 4 2 5, यूनिवर्सल सेट है, तो ये वाला शेड होगा, बस बी वाले छूटेंगे बाकी सारे, कौन कौन से शेड हो गए आगे 1 2 5 आ गए सोचो। अब इनका क्या निकालना था तुम्हें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निकालो तुम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कौन आएगा 5 आएगा 4 आएगा 1 आएगा 2 आएगा, 3 नहीं आएगा बाकी सारे आ गए, तो अब डायग्राम बनाना जरा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे बनाना पेपर में, अगर नहीं समझ में आता तो ये आएगा ए ये आएगा बी, ये 1 2 3 4 5 है, तो कौन सा करना है 5 वाला एरिया शेड करना है, शेड करना है जो यूनिवर्सल सेट वाला है वो वाला शेड करना है, 4 वाला भी शेड करना है 4 वाला ये रहा, 1 और 2 वाला भी शेड करना है ये रहा, कौन सा शेड है 3, मैंने भी यही बनाया था, सोच रहे हैं ऐसे भी बना सकते हैं, ये मुझे प्रूव करना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है कॉमन, पहले नोट करो फिर ऐसे भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके भी सोच सकते हो, अगर समझ आती है तो एग्जाम्पल लेके भी अपनी तरफ से सोच सकते हो, ऐसे सोच, 3 नहीं आएगा बाकी सारे आएंगे, मैंने भी इसको छोड़ के बाकी सारे शेड किए, इसको छोड़ के बाकी सारे शेड, ए प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है बी का, प्रूफ है, प्रूफ ये करना है, दिस इंप्लाइज अपने आप घर बैठ के ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी और ए ले लेना 1 2 3 है कोई 1 2 3, बी लेना 3 4, ए कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट ये, ए कॉम्प्लीमेंट वाले शेड करो 1 शेड, ए कॉम्प्लीमेंट वाले 4 और 5 को शेड करो, 4 ये रहा 5 ये रहा, इसको शेड कर दिए, बी कॉम्प्लीमेंट वाले शेड करो 1 2 1 2 और 5 को शेड करो, कर दिया, 3 और 4 छोड़ दिए तो इसमें 3 4 नहीं था, इसमें 3 4 नहीं था शेड कर दिया, तो इनका दोनों का क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन यूनियन 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 में क्या आएगा 1 2 5 4 आएगा, 1 2 5 4, 3 तो आए नहीं, 3 छोड़ दो, बस सोचना अपने आप, थोड़ा सा हिंट दे दिया, इस तरह से भी सोच सकते, चलिए क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन है, प्रूफ है, प्रूफ दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट की वैसे मैंने भाषा लिख दी है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी गिवन है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, सोच लो अगर बनाना तो बना लो, नहीं बनाना मत लाओ, ए प्रॉपर सबसेट है तो बी बड़ा होगा, ए छोटा होगा, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ऐसे डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम गलत हो जाएगा, या फिर ऐसे बना लो, ये बी ले लो ये ए ले लो, ये डायग्राम भी ठीक है, जो मर्जी ले लो, यूनिवर्सल की बात नहीं करनी मत करो, पर ये नहीं ले सकते क्या ए ऊपर ले लो बी नीचे ले लो, ये नहीं ले सकते क्यों, इसमें तो बी प्रॉपर सबसेट है, पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़ लो, चाहे ए प्रॉपर सबसेट है बी, इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, देयरफॉर जो कॉमन एलिमेंट होंगे इन सेट ए और सेट बी में, ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, therefore A intersection B देखो क्या आएगा, सोचो इसका intersection देखो क्या आएगा, ये B था ये A था, ये क्या कहा हुआ है A subset है B का, इसमें क्या कहा A subset है B का, तो A और B में common कौन सा होगा, चलिए ऐसे लिख लो, चलो A subset है B का,
ए और बी में कॉमन कौन सा होगा, ए और बी में कॉमन, कहता है विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, किसके इक्वल आएगा बताओ जरा, सेट ए के इक्वल। दोबारा सुन लो, ए प्रॉपर सबसेट दिया बी का, ए प्रॉपर सबसेट है मतलब क्या हुआ, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो ए का डायग्राम ये बनेगा, बी ए यूनिवर्सल सबसे बड़ा होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए का हर एलिमेंट इज इन सेट बी, सेट बी में होगा। देखो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इन दोनों में कॉमन कौन सा, कॉमन कौन सा सोचो सेट ए के, दोनों में कॉमन कौन से बताओ, कॉमन कॉमन तो यही होंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन सा होगा, देखो ए के इक्वल होगा, बस एक ये डायग्राम बन जाएगा जिसमें क्या शो करेगा, ए प्रॉपर सबसेट ए बी का, इसमें ए प्रॉपर सबसेट ए बी का, एक डायग्राम ये बन जाएगा जिसमें ए वाला पार्ट शेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए के इक्वल, बस ये और कुछ नहीं होंगे, दूसरा तीसरा बता दीजिए, अच्छा बाय।